नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फूडपिट टिप्स में। आज हम बालूशाही बनाने जा रहे हैं। बालूशाही बनाना आसान होता है, खाने में टेस्टी होती है, जो सबको पसंद होती है, सबको पसंद आने वाली मिठाई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 1 कप चीनी। चीनी और मैदा बराबर लेते हैं। 1 कप मैदा लिया है, 1 छोटे कप हमने घी का लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़े से बादाम और पिस्ते लिए हैं, आप चाहें तो डालें चाहें तो नहीं, ऑप्शनल है। इलायची पाउडर चाशनी में डालने के लिए, 10-15 केसर के धागे ले लिए हैं कलर के लिए, आप चाहें तो इसे भी डालें चाहें तो नहीं, ऑप्शनल है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें मैदा डालेंगे, मैदा डालेंगे, अब मैदे में घी डालेंगे, और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच है। इसे मिलाएंगे, इसे ज़्यादा हमें गूंथना नहीं है, बस मिलाना है। बालूशाही का आटा ज़्यादा गूंथते नहीं है, सिर्फ डो बना के तैयार करते हैं, तो सिर्फ हमें इसे मिलाना है। घी और बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को गूंथना नहीं है, सिर्फ बाइंड करना है। तो हम आटा को बाइंड कर लेंगे हल्के हाथों से। तो हमारा आटा बाइंड हो गया है, देखिए हमें इसे गूंथना नहीं है, बस इसी तरीके से बाइंड करके 20 मिनट तक इसे रेस्ट पे रखना है। तो इसे 20 मिनट तक ढक के रख देंगे, तो इसे ढकेंगे और साइड में रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए चाशनी बना लेते हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे। 1 कप चीनी है तो हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। देखिए गैस ऑन करेंगे, चाशनी घुलने तक पकाएंगे। गैस ऑन करेंगे, सिर्फ हमें चाशनी गलानी है, तो चाशनी गला लेते हैं, चीनी गला लेते हैं। तो देखिए हमारी चाशनी में उबाल आ रहा है, हमें चीनी घुलने तक पकाना है, और हमारी चीनी लगभग घुल गई है, अच्छे से उबाल आ गया है चाशनी में। देखिए तो जब तक हमारा चाशनी उबल रही, जब तक हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और केसर भिगो देंगे। काजू पिस्ते काट लेंगे और बाद इलायची छील के रख लेंगे। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, इलायची छील पीस के रख लेंगे और बादाम पिस्ते छोटे छोटे काट लेंगे। तो चलिए चाशनी चेक करते हैं। चाशनी चेक करने का तरीका, किसी भी बर्तन में 2-3 ड्रॉप डालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। चेक करेंगे, देखिए एक तार बन रहा है, हमें 1 तार की चाशनी चाहिए थी, हमारी चाशनी तैयार है। गैस ऑफ करेंगे,
इसमें अपना केसर डाल देंगे ताकि कलर आ जाए। इलायची पाउडर भी डाल देंगे चाशनी में और अब हम बालू स्याही बनाएंगे। चाशनी हमारी तैयार है, इसे ढक के रखेंगे नहीं तो हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी, तो इसे ढक के रख देंगे। चलिए आटा चेक करते हैं। आटा हमारा रेडी है तो इसे हल्के हाथ से इस प्रकार से मिलाएंगे, हल्के हाथ से मिलाएंगे, हमें गूंथना भी नहीं है और इन पे बालू स्याही का आटा बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं। तो एक लोई बनाएंगे। और जितनी बड़ी आपको बालू स्याही बनानी है उस हिसाब से लोई तोड़ेंगे, तो हमें एक नींबू के आकार की लोई तोड़ के रखेंगे। सारी लोइयों को तोड़ लेते हैं। तो लोइयां हमने तोड़ ली है, इसे गोल करेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं डालना, हल्के हाथ से हम आटे को गोल करेंगे और इस प्रकार से दबाएंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से दबाएंगे और बालू स्याही का आकार देंगे, ये देखिए, और एक प्लेट में रखेंगे। तो इसे लोई उठाएंगे, हल्के हाथ से गोल करेंगे और दबाव डालेंगे और दूसरी प्रकार से भी दबाव डालेंगे। तो हम बालू स्याही बनाएंगे और अब हम तेल गरम करेंगे। तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं रखना है, बिल्कुल हल्का गरम रखना है, तभी हमारी बालू स्याही अच्छे से फूल के ऊपर आएगी। तो हम हल्का तेल गरम करेंगे। तो चलिए अब हम तेल चेक करते हैं अपना। थोड़ा सा आटा लेंगे और तेल में डालेंगे, बिल्कुल हल्का गरम चाहिए, तो हमारा आटा आराम से उठना चाहिए। ये देखिए आराम से उठा, मतलब हमारा तेल परफेक्ट है। डाल देंगे बालू स्याही, गैस बिल्कुल धीमी रखनी है, ध्यान रखिए ताकि बालू स्याही परफेक्ट बने। और इन्हें धीमी आंच पे ही पकाना है, इसी प्रकार से धीमी धीमी आंच में, और बालू स्याही ऊपर आ जाएगी तो हम पलट देंगे। हमारी बालू स्याही ऊपर आ गई है तो इन्हें हम पलट देंगे। देखिए बिल्कुल गैस हमारा धीमे है और बालू स्याही परफेक्ट अच्छे से फूल के और तेल से ऊपर आ गई हैं। इन्हें इसी प्रकार से धीमी आंच पे सेकी जाती है और सारी बालू स्याही पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें सेकेंगे। इसी प्रकार से गैस धीमी रखेंगे ताकि हमारी बालू स्याही अच्छे से फूल जाए। देखिए एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इन्हें पकने देते हैं। तो हमारी बालू स्याही दोनों तरफ से सिक गई है, ये देखिए। अभी इन्हें हम निकाल लेंगे, उठाएंगे और एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में छोड़ देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार से सारी बालू स्याही निकालेंगे। तो एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में गिराते हुए हम बालू स्याही को बाहर निकालेंगे।
ठीक है, बालूशाही हमारी फूल गई है और दूसरी डाल देंगे हम। तेल तेल हमारा बिल्कुल धीमा है, धीमी गैस है और उसमें हम फिर से डालेंगे और गैस बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म है तो आप गैस ऑफ कर दें और ठंडा होने दें, फिर बालूशाही डालें। हमने धीमा ही रखा था इसलिए हमने डाल दिया। तो इसी प्रकार से बाकी बालूशाही भी हम फ्राई कर लेंगे और जो बालूशाही निकाली है उन्हें हम चाशनी हमने ढक के रखी थी और चाशनी गर्म इसमें डिप करेंगे। और थोड़ा सा दबा देंगे ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। जब तक बाकी बालूशाही सिक रही है तब तक हम इसे चाशनी में ही पड़े रहने देंगे। तो इन्हें चाशनी में छोड़ देते हैं और बाकी बालूशाहियों को सेक लेते हैं। धीमी आंच पे ही सेकना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको। अब हमारा दूसरा बैच भी रेडी है तो इसे भी हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में स्टर तेल हटाते हुए निकालेंगे बाहर। जो हमने चाशनी में डाली थी उन बालूशाही को बाहर निकालेंगे। देखिए इन्होंने चाशनी सोख लिया है अच्छे से, इसमें चाशनी चली गई है। तो अभी बाहर निकालेंगे प्लेट में। हमारी बालूशाही रेडी है, हमने चाशनी में डाल के निकाल लिया है। तो देखिए इन्हें बनाना कितना आसान होता है। अब इन्हें हम बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। खाने में स्वादिष्ट होती है, बनाना भी आसान होता है। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। देखिए हमारी बालूशाही रेडी है, इन्हें बनाना भी आसान है और खाने में टेस्टी होती हैं। तो घर पे मिठाई बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। बस बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, आटे को ज़्यादा नहीं गूंथना है, सारे सामान को मिला के और बस ढक के 20 मिनट तक रखना है। चाशनी थोड़ा गर्म होना चाहिए बालूशाही डिप करते समय और धीमी आँच पर सेकना ही है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल धीमी आँच पर सेकते हैं तो हमारी बालूशाही फूली फूली और अच्छी बनती है। तो हम आपको एक बालूशाही चेक करके दिखाते हैं। थोड़ी गर्म है, ये देखिए चाशनी अंदर तक गई है और परफेक्ट बनी है। तो आप बालूशाही बनाइए, खाइए और खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।